नाम है मृदला और आज का हमारा टॉपिक है रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेसिकली इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कल्चर मीडिया में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं। कल्चर मीडिया बेसिकली आपको रेफर करता है कि किसी भी माइक्रोब के ग्रोथ के लिए जो हम न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो कि उनको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, उसे हम कल्चर मीडिया कहते हैं। ठीक है। और लैबोरेटरी में सबसे कॉमनली यूज्ड कल्चर मीडिया जो होता है वो न्यूट्रिएंट अगार है, ठीक, जिसमें कि आपके बहुत सारे बैक्टीरियल स्पीसीज की ग्रोथ हो सकती है। इनोकुलम जो है वो हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सस्पेंशन को कहते हैं। और इनोकुलेशन मतलब होता है कि किसी भी कल्चर मीडिया में जब हम माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोसेस जो है इनोकुलेशन कहलाता है। और कल्चर आपका किसी भी कल्चर मीडिया में माइक्रोब्स के ग्रोथ को कहते हैं। तो कल्चर जो है उसको बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्योर कल्चर, मिक्स्ड कल्चर और कंटामिनेटेड कल्चर। प्योर कल्चर जो होता है उसमें किसी भी बैक्टीरिया की सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट होती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो होता है एक सिंगल स्पीसीज का पॉपुलेशन प्रेजेंट होता है। मिक्स्ड कल्चर जो होते हैं उसमें सर्वल स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। और जो कंटामिनेटेड कल्चर होता है उसमें अनवांटेड स्पीसीज आपके, मतलब कि जो आप कल्चरिंग कर रहे हो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो उसके साथ ही अनवांटेड आपके स्पीसीज किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट हो सकते हैं। मेनली जो आपका कल्चर मीडिया होता है जिसमें जो कि मतलब न्यूट्रिएंट होता है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए नेसेसरी होती है, उस वो इंक्लूड करता है आपका वाटर। वाटर जो इसमें यूज किया जाता है वो या टैप प्योर या फिर डिस्टिल वाटर हो सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसमें डिजॉल्व होते हैं इस वाटर में, और ये आपको सेल के प्रोटोप्लाज्म में 70-80% जो होता है वो वाटर होता है, और वो आपका व्हीकल की तरह काम करता है न्यूट्रिएंट्स के फ्लो के लिए। ठीक है। सेकेंड कल्चर जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है वो है पेप्टॉन। पेप्टॉन जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स, जो कि आपको मिलते हैं लीन मीट, हार्ट मसल्स, केजीन, फाइब्रिन या सोया मीट एक्सेट्रा से। ठीक। इसके जो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो है प्रोटीएजेस, एमिनो एसिड्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जिसके अंदर आपके फॉस्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि निकोटिनिक एसिड और राइबोफ्लेविन। पेप्टोन्स जो है मेनली आपको सप्लाई करता है नाइट्रोजिनस मटेरियल और एक बफर की तरह एक्ट करता है। पेप्टोन को हमेशा एक टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब कि वाटर को एब्जॉर्व करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, और ये आपको जब एयर को एक्सपोज किया जाता है, मतलब एयर में रखा जाता है, तो ये स्टिकी हो जाता है। थर्ड इंग्रेडिएंट है आपका ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ये आपको मेनली बेकर ईस्ट या फिर सैक्रोमाइसिस के सेल से बना होता है, और इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, ग्रोथ फैक्टर जैसे कि विटामिन बी ग्रुप और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली आपको मतलब कल्चर मीडिया में विटामिन के सोर्स की तरह काम करता है, मतलब ये विटामिन प्रोवाइड करता है, और इसको आप इस एक्सट्रैक्ट को आप मीट एक्सट्रैक्ट से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब किसी कल्चर मीडिया में अगर मीट एक्सट्रैक्ट यूज होना है तो वहां पे आप ईस्ट एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। फोर्थ है आपका मीट एक्सट्रैक्ट। ये आपको मेनली फ्रेश लीन मीट से प्रिपेयर किया जाता है हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से। इसमें आपके मीट एक्सट्रैक्ट में आपके जेलेटिन, पेप्टॉन्स, प्रोटीएजेस, एमिनो एसिड्स, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, प्यूरिन्स, मिनरल सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट और ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि थायमिन, निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, पाइरिडॉक्सिन और पेंटोथेनिक एसिड। फिफ्थ कंस्टिट्यूएंट जो आपका प्रेजेंट होता है वो अगार। अगार जो होता है वो लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड होता है जो कि मेनली आपको सी विच एल्गी से मिलता है। ये एल्गी जो कि आपको अगार देता है उसे अगारोफाइट्स बोलते हैं, और इसके अंदर आते हैं आपके जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, हाइफिया, जेलीडीला, सेरामियम एक्सेट्रा। अगार जो होता है वो आपको दो पॉलीसेक्राइड का मिक्सचर होता है, जैसे कि एग्रोस 70% और एग्रोपेक्टिन 30%। इसके अंदर आपके कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सल्फेट और आयरन प्रेजेंट होते हैं। अगार या फिर अगार अगार जो है आपको कॉमनली यूज्ड
सब्सटेंस है, रॉ मटेरियल है जो कि सॉलिड मीडिया के प्रिपरेशन में यूज होता है। जो लेबोरेटरी में यूज हो रहे होते हैं अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको सीवीड्स एल्गी के डिफरेंट स्पीसीज से प्रिपेयर किया जाता है और ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है 2% अमाउंट में। ये आपका गोल्डन येलो ग्रेनुलर पाउडर होता है। ये आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू के मामले में मतलब इसमें किसी तरह का कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं प्रेजेंट होता है और ये आपको बैक्टीरियोलॉजिकली इनर्ट होता है, मतलब बैक्टीरिया पे किसी तरह का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके एक्शन के लिए ये रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसकी किसी भी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। ये आपको स्टेबल और फर्म होता है डिफरेंट टेम्परेचर पे जब इसको इनक्यूबेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। इंक्यूबेशन बेसिकली आपका एक प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी चीज को हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और राइट कंडीशंस में रखते हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। ये आपको 95 से 98 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है और 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड होता है। ठीक, ये आपको 40 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिडिफाइड हो जाता है। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, तो ये आपके रॉ मटेरियल्स थे। अब चूंकि न्यूट्रिएंट अगार, जैसा मैंने बताया कि कॉमनली यूज्ड आपका मीडिया है सॉलिड मीडिया, तो इसके जो कॉम्पोजिशन होते हैं वो है आपका ईस्ट मीट या बीफ एक्सट्रैक्ट होता है अबाउट 10 ग्राम, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड और अदर ग्रोथ फैक्टर्स के सोर्स की तरह काम करता है। सेकेंड इन्ग्रीडियंट होता है कल्चर मीडिया, मतलब न्यूट्रिएंट अगार मीडिया का पेप्टोन, जो कि 10 ग्राम होता है और ये आपको बेसिकली एमिनो एसिड, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि 5 ग्राम होता है, ये आपको इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। फोर्थ है अगार, जो कि 20 ग्राम यूज होता है, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। और फाइनली उसमें डिस्टिल वाटर प्रेजेंट होता है जिससे कि 1000 ml तक वॉल्यूम मेकअप किया जा सके और ये आपको एक व्हीकल की तरह काम करता है आपके न्यूट्रिएंट्स के फ्लो में। तो ये था अबाउट आपका रॉ मटेरियल्स जो कि आप यूज किए जाते हैं कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन में। तो आपको अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।